और ये बात निहायत अहम है, ध्यान से ये बात सुनी जाए। और इस बारे में मैं अपने बरेलवी भाइयों से मुहातब होना चाहता हूँ। मेरे बरेलवी भाइयों, आपने गुज़िश्ता चंद माह के अंदर उम्मत का इत्तेहाद देख लिया। यहाँ से अब आपने लपेटना शुरू करना है, ये फेंक रहे हैं और आपने क्या करना है, लपेटना है। अल्लाह की कसम, कितनी नफरतें थी, कितनी अदावतें थी, हम एक दूसरे के करीब आ गए। देख ले, इन्होंने अल्लाह की कसम खाई है और बहुत बड़ा दावा कर दिया, इतना बड़ा दावा कर दिया है कि इसके ऊपर इनको पछताना पड़ेगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। एक दूसरे की बातें सुनने लगे, उम्मत एक हो गई, मुत्तहिद हो गई। इंजीनियर मोहम्मद अली मेजर साहब ने जब आके गर्म तौलिया ऐसे मौलवियों के मुंह के ऊपर फेराया तो उनके ऊपर जो मेकअप था वो उतर गया और इनकी असलियत सामने आ गई। मैं आप दिखाता हूँ कि एक अहले हदीस बंदा बैठा है और उसको जो बरेलवी मकबा फेर के मौलवी सईद असद साहब हैं वो कलमा पढ़ा के मुसलमान कर रहे हैं और कह रहे हैं तौबा कर, वहाबी को वो मुसलमान नहीं समझते। محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه يا الله مني توبة نام نهاد مسلك أهل الحديث کو توبہ يا الله مني توبة یا اللہ کفر کفر شرک اور بدعت کی توبہ یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ اگلے پچھلے گناہوں کی توبہ چھوٹے بڑے گناہوں کی توبہ یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ انہاں گناہوں تو توبہ جڑے جان بوجھ کے کیتے انہاں گناہوں تو توبہ جڑے گناہ جان بوجھ کے مولا انہاں گناہوں تو بھی توبہ جڑے کھول کے دے इनको दायरा इस्लाम से इन्होंने खारिज किया हुआ है और इनको बिल्कुल मुसलमान मानने को तैयार नहीं। और ये देखिए, ये अल्लाह की कस्में खा रहे हैं और उधर देखें इनकी मसलक के लोगों को वो मुसलमान करवा रहे हैं, बकायदा कलमा पढ़ा रहे हैं। तो ये जो गर्म तौलिया इनके मुंह पे फेरा है ना अली भाई ने, इसकी वजह से चीहो पकार हो रही है, आह बाह हो रही है, आई इंजीनियर आई, ये तो फिर होगा। क्यों ये होगा? क्योंकि जब इनकी असलियत सामने आई है तो ये कस्में खा खा के झूठ बोल के अपने अवाम को तसलियां दे रहे हैं कि ऐसा कोई बात नहीं है, हम तो सही हैं। लेकिन जब आप इनके मकरूह चेहरे सामने देख लें, जो बाबा जी सिठाए हुए हैं वो बकायदा कलमा पढ़ा के मुसलमान करा रहे हैं, तो ये कौन सा इत्तेहाद है भाई, ये कैसा इत्तेहाद है? अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। क्यों ये इस तरह मौलवी करते हैं, ऐसा भला क्यों कर रहे हैं? कोई इत्तेहाद उम्मत इसलिए नहीं कर रहे कि प्यार पोछा पड़ जाए, इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग मुत्तफिक हो जाए, क्योंकि फिरकों को हाथ पड़ गया है इंजीनियर की तरफ से और वो कोई हाथ मामूली नहीं है, स्ट्रॉन्ग हाथ पड़ा हुआ है। तो इंजीनियर इनके लिए मुसीबत बना हुआ है। क्यों? अब मैं वही ये इल्मी बात है कि दुकानें बंद हो रही हैं, जो ये कहानियां सुनाते थे, जो ये लोगों को बताते थे, वो सब खत्म हो रहा है। इसलिए खत्म हो रहा है कि इंजीनियर ने आगे इल्मी दलाई रखे हैं, कुरान और सुन्नत आगे किया है और बाबों की कहानियों के पीछे किया है, तो फिर चीखें तो निकलेंगी ना, चीखें तो फिर निकलेंगी। तो अब भी अगर कोई आपके सामने ऐसा बंदा है जो आपको आके कहता है कि हम एक दूसरे को मुसलमान समझते हैं, उसको बोले फिर ये क्या है, ऐसे बाबों को अपने मकबा फिक्र से क्यों नहीं निकालते, इनकी इसलाह क्यों नहीं करते, ये तो मुसलमान एक दूसरे को मानने को तैयार नहीं। और इंजीनियर भी यही कहा कि आप लोग तो मुसलमान मानने को तैयार नहीं हो, लेकिन मैं तो आप सबको मुसलमान समझता हूँ, आप लोगों के पीछे नमाजें पढ़ता हूँ, चंदे आपको देते हैं, तो ये तो हम सभी करते हैं, अली भाई के स्टूडेंट्स भी करते हैं। तो ये कैसा इत्तेहाद है? बरेलवी दो बंदी वाले दीस, जरा ये डिफाइन कर दें।